ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर वन वेब चैनल। ये खेल है शेर जवानों का, लबेलों का, मस्तानों का, इस खेल का यारों, इस खेल का यारों क्या कहना। दर्शकों का ये शोर शराबा और चेहरे पर दिखती हुई मुस्कुराहट ये बताने के लिए काफी है कि पब्लिशर्स क्रिकेट लीग अब अपने अंतिम पड़ाव पर आ गई है। जी हाँ, 29 तारीख को दिल्ली के रोशनारा क्लब में सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाने हैं, लेकिन उससे पहले आपको सातवें दिन का आराम बताने के लिए पीसीएल के सातवें दिन में तीन मुकाबले खेले गए, जिसमे पहला मुकाबला सेमीफाइनल में जगह बना चुकी फुल मार्क्स ब्लास्टर्स का गोल्डन ग्लैडिएटर्स की टीम के साथ हुआ, जिसमें गोल्डन ग्लैडिएटर्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 130 रन बनाए, जिसके जवाब में फुल मार्क्स की टीम 15 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी। इस मैच में ग्लैडिएटर्स के विकास कुमार को मैन ऑफ द मैच चुना गया। बिल्कुल सर, रणनीति रहने वाली है, अभी हमें चेक करना पड़ेगा किसके साथ होने वाला है सेमीफाइनल, कौन सा स्लॉट है, लेकिन उनके यूट्यूब्स पे वीडियो देख के देखेंगे क्या करना है, कैसे उनके बैट्समैन पे ट्रैप बिछाना है। आज इंजर्ड हुए थे, उसके बाद भी मैदान पर उतरे, तो क्या लग रहा था कि मैदान पर उतरना ज़रूरी हो गया था, क्योंकि एक टीम में प्लेयर वैसे भी कम नज़र आ रहा था। सर बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा था ठीक हूँ और बैटिंग अच्छा है, कॉन्फिडेंस था प्ले करना है, लेकिन हाँ शायद अगर इंजर्ड नहीं होता तो जीतते, और आज बैटिंग लाइनअप भी उतनी स्ट्रांग नहीं थी हमारी, एक दो प्लेयर्स को हमने रेस्ट दे रखा था, बट हमने चेज किया, बट स्टिल रह गए मैनेज। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन फॉर विनिंग द गेम, एवरीवन विन द गेम, गोल्डन आल्सो एंड फुल मार्क्स आल्सो। वेल, फुल मार्क्स टीम इज वेरी स्ट्रांग, एवरीवन नोज दैट, एंड हमें इस बात का बहुत फक्र है, बहुत अच्छी बात लग रही है, बहुत खुशी है कि हमने पूल की सबसे स्ट्रांग टीम फुल मार्क्स, जितने सारे मैच जीते हैं उनको आज हमने हराया है, हमने जीत लिया उनसे, बहुत खुशी की बात है। सातवें दिन का दूसरा मुकाबला एसएस सुपरस्टार्स और एस चंद के बीच खेला गया, जिसमें एसएस सुपरस्टार्स ने बल्लेबाजी करते हुए 15 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर केवल 55 रन बनाए, जिसके जवाब में एस चंद ने सातवें ही ओवर में 1 विकेट खोकर इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। इस मैच में एस चंद की मनिक को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो एश्चंद और सोविनियर सुपरस्टार के बीच का जो ये मैच था वो खत्म हो गया है, और पहले मेरे साथ सोविनियर सुपरस्टार के कैप्टन भारत जी मौजूद हैं। भारत जी, मुझे लगता है टूर्नामेंट का सबसे स्कोर कम था ये, मैं कहूँगा कि किस रणनीति के साथ आज मैदान पर उतरे थे? हमारी रणनीति खाली खेलने की थी, और वो हमने अपनी रणनीति पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट की। प्लेयर्स हमारे बहुत अच्छे हैं अपनी अपनी फील्ड में, बट अनफॉर्चुनेटली वैसी परफॉर्मेंस वो क्रिकेट ग्राउंड पर नहीं दे पाए, सो होपफुली नेक्स्ट सीज़न में हम इससे बेहतर हों, इस साल हम प्रैक्टिस करेंगे। हमारे पास एक कोई भी क्वालिफाइड क्रिकेट प्लेयर नहीं था, सो हमारी सेल्स टीम से, एडिटोरियल टीम से, और कोई सी ने भी पहले क्रिकेट नहीं खेला था, सो जितना भी हमने परफॉर्मेंस किया वो लास्ट मंथ की जितनी भी प्रैक्टिस हम कर सकते थे उसी के बेस पर हमारा ये परफॉर्मेंस था। एस चंद के कैप्टन भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं, आज जीत हासिल करी, 4 मैचों में से 2 जीते हैं और 2 हारे हैं, आज किस रणनीति के साथ मैदान पर उतरे थे और 9 विकेट से ये मैच जीता हमें लगता है? हमारी रणनीति यही थी कि ऑपोजिट टीम को नियर अबाउट 80 रन के अंदर ऑल आउट करे, बट ओवर बॉल बॉलर आज बॉल वेरी वेल, दे उन्होंने 55 रन के अंदर पूरी टीम को आउट किया, एंड और बैट्समैन जो ओपनिंग में आए मेरे साथ नवीन, दे ऑलरेडी उन्होंने मेरे को बोला कि नियर अबाउट 6-7 ओवर्स के अंदर हमने टारगेट कम्प्लीट करना है, और वही हमने कम्प्लीट किया। सातवें दिन का अंतिम और सबसे रोमांचक मुकाबला रचना सागर रेडर्स और ओरेंजलीना पैंथर्स के बीच खेला गया। ये मुकाबला क्वालिफायर मुकाबला था, यानी करो या मरो का मुकाबला, और शायद यही वजह थी कि ग्राउंड में दर्शकों का उत्साह बाकी मैचेस से भी कुछ ज्यादा नजर आ रहा था। इस मैच में रचना सागर ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, और ओरेंजलीना की टीम को 15 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 118 रन पर ही रोक दिया। ओरेंजलीना की तरफ से पिछले मैच में शतक बनाने वाले अंकुर मिश्र ने इस मैच में भी 62 रन की धुआंधार पारी खेली, लेकिन बल्लेबाजी करने आई रचना सागर ने तेज शुरुआत करते हुए
मैच को एक विकेट खोकर 12वें ओवर में ही हासिल कर लिया, जिसमें हरगोपाल का अर्धशतक और जितेंद्र की तेज तर्रार 44 रन शामिल थे। इस मैच में मैन ऑफ द मैच रहे हरगोपाल। फिलहाल अब सबकी नजरें 29 तारीख को होने वाले सेमीफाइनल्स पर हैं और सभी को इंतजार है पीसीएल के फाइनल का भी। आपको बता दें कि आप इन सभी सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस को लाइव देख सकते हैं केवल दिल्ली दर्पण टीवी पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिल्ली दर्पण टीवी के लिए कैमरामैन योगेंद्र कुमार और सोनू के साथ अंशुल त्यागी की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।